मेरा नाम है सुनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मेरा बेटा मेरी बाल बनाने बैठा हुआ है, जितना बनाएगा नहीं उतना तो उड़ा देगा, है ना? ये, 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 आ, 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 अरे बाप रे नानो, इतने तेज नहीं बेटा, तो मैं क्या करूँ? तो तुम लोग मुझे इतने जरा सा भी टाइम देते हो कि मम्मी अपने लिए कुछ कर पाए? हाँ, कुछ कर पाए, इतना टाइम देते हो तुम लोग मुझे? मैं बहुत टाइम देता हूँ, आप ही निकलना चाहते हैं। नहीं, मैं कामचोर हूँ, तुम्हारा बोलने का मतलब? मैं बोल रही हूँ मतलब नहीं, आप बाहर जाके हेयर कटिंग क्यों नहीं करवाते? बाहर जाके हेयर कटिंग और पैसे कौन देगा? आपके पति? मेरे पति? वो तुम्हारे पापा नहीं है? हाँ है। तो फिर है, पापा है, फिर पापा बनने का वादा नहीं निभाते। अच्छा, वादा नहीं निभाते? अरे बेटा ऐसे ना बोलो, पापा बहुत वादा निभाते हैं। अब वही है ना, थोड़ा परेशान है। आज इनकी कल टूटा था, इनकी कल टूट गए, मैं जान बूझ के पीछे थी तो मार 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 के। अच्छा। और मम्मी के बच्चे देख देख के आ चली थी। अच्छा। मैं स्केल से कूद कूद के लार करूंगा ऐसे में। अच्छा, तो ये मम्मी की बच्ची है, तुम्हारी बहन नहीं है? ये बहन होने का वादा करने वाली है, बहन होने पे लोना चाहिए को ऐसे रही है। अच्छा, यानी वो तुम्हारी बहन है तो तुम पिट रहे हो तो उसे भी रोना चाहिए, ठीक है? अब जरा सी बच्ची, उसे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा भैया पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? हाँ तो वो समझ जाती है, भैया के सम्मान हो रहा है। वाह, तो ऐसे ही सम्मान मैंने पहली बार देखा है। अरे बाप रे, वो समझ रही है कि भैया का सम्मान हो रहा है और तुमने पहली बार सम्मान देखा। लला, तुम इतने जानते हो मेरे ये पूरे जो बाल है ना बचे कुचे, ये भी उड़ जाएंगे, समझ में आया? ऐसे टेंशन में गिन चुन के हेयर कटिंग करवाओ, मुझे वही मंजूर है। हेयर कटिंग करवाऊं? कैसे हेयर कटिंग करवाऊं मैं? मतलब हेयर कटिंग होता है तो करवाओ, टकली हो जाऊं? हेयर कटिंग का मतलब मैं बाल स्टाइलिस्ट करवाओ। स्टाइलिस्ट करवाऊं? कौन से स्टाइलिस्ट करवाऊं? कौन से भी करवाऊं? नहीं करना तो इतना बकवास क्यों कर ले, बताओ ना कब को करना है कि नहीं। अच्छा चलो, काम मैं सोचूंगी इसके बारे में, मैं सोचूंगी, पापा से बात करूंगी। मगर आपको पैसे चलूं थे मैं तो आपको से 40 रुपए दे सकता हूं, अगर कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, सही है, तो मुझे पैसे दोगे? बिल्कुल सही है। चलो बिल्कुल सही नहीं है, जो चूड़ी तोड़ी थी मेरे बोल कितने पैसे दोगे? तुम दोगे मेरे पैसे? ये कल टूटे, मैं आपको कल दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। अच्छा चलो, नानू का एपिसोड खत्म हो गया, हम गोपाली एपिसोड में आते हैं। नानू ने मेरे बाल बनाए कम है और कबाड़ा कुछ ज्यादा कर दिया है बालों का, वैसे गिने चुने बाल है। और गिने चुने कहाँ बाल है, आपके डॉक्की बाल है, डॉक्की बाल। अच्छा, मैं डॉक्की दो बाल नहीं डॉक्की वाला एपिसोड जिसमें पल पल के मैं थक गया हूँ। ये भी बोलते होंगे कि नानू कितना बोलता है, मतलब कुछ भी नहीं। मजाक? अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं मेरे बाल वैसे भी बहुत कर्ली हैं, कर्ली मतलब छोटे छोटे वाले कर्ली नहीं है, पर आप देख सकते इस तरीके से हैं, इन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी और इनके बाल कितने पतले हैं, आपको इनका एक बाल दिखाता हूँ। सर लग लगा दूंगी मैं, फिर चुप रहता हूँ। मुँह पे नहीं होता दिखता ही नीला है। अच्छा अच्छा ठीक है, पर तुम बता देना, मैं बता दो तुम क्या बताने वाले हो। नहीं ये नहीं बताऊंगा। नानू को ये पता नहीं है वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, लेकिन इसे पता है, इसे मतलब ऐसा लगा इस कि जो वैलेंटाइन डे की हम बात कर रहे थे तो इसे लग रहा था कि ये कोई फेस्टिवल है जो सब लोग मनाते हैं, तो अब वैसे भी सब लोग मना भी सकते हैं, जरूरी थोड़ी कपल का ही हो। तो ये अपनी बहन के लिए लोकल मार्केट से कुछ शॉपिंग करके लेके आया है। और अच्छा जैसे भाई तुम दिखा लो, और वो आप लोगों को दिखाना चाहता है कि वो क्या क्या खरीद के लेके आया है, ठीक है? बहुत प्यारा भैया है। हाँ दिखाओ। प्यारा भैया नहीं, मेरे पैसों का मुझे ही अपना लाला दिखाते हो। पापा ने मेरे पे गुल्लक में पैसे डाले, वो गुल्लक तोड़ के मैंने पैसे लगाए, उसमें पिट भी गया। बहुत केयरिंग भैया मैंने बोला है, तुम्हें ये नहीं बोला कि तुम गंदे भैया हो, बहुत केयर करते हो अपनी बहन की।
हाँ तो सबसे पहली चीज शुरुआत करते हैं एक धागे से, जैसे अपनी बाल, ये देखो ये नजर वाले बाल होते हैं। हाँ ये नजर वाले बाल है, इसे बाल नहीं नजर वाली रस्सी होती जो ऐसे हाथ में बांधा जाता है। अच्छा देख हाँ, नानू की बहना को नजर नहीं लगना चाहिए। तो मैं तो सोच रही नानू की बहना को, मैं नानू की बहना को एक पैर से चूड़ी पहना दी है। अब ये लस्सी करूंगा, थोड़ा सा काटूंगा, पैर में करूंगा तो जो नहीं बात आ गई तो इस तो अगरबत्ती लूंगा जिससे जरा दूंगा पिघलेगा। अच्छा। तो जैसे पक जाएगा। नेक्स्ट चीज नानू की बेला को नजर नहीं लगना चाहिए। मैं अपने खुद अपनी करतूते बताता हूँ। ये जो चूड़ी चूड़ी खरीदी थी एक, मैं मेरी आदत है ये हर जो मम्मी जो नई नई मांगती है मैं उसे पहले खोलता हूँ। तो उस दिन ये सब खोलने के चक्कर में तो मैं उससे चूड़ी गिर गई। मैं सब सामान सब उठा के मम्मी पास लाया तो मम्मी बोली मेरे पास दो चूड़ी थी, कोई एक जोड़ी फ्रिज के नीचे थी तो मैंने वो उठा के लाई। जब मम्मी ने देखा वो को टूटी हुई है, मैं 10 बार कहा कि तुम निकाला मत करो ठीक है, इसमें मेरे पिटाई हो गए। फिर ये चूड़ी हो बची, एक मेरी एक दूसरी चूड़ी भी थी जो मेरे गुब्बारे मम्मी को गुब्बारे ने पहना दिया। तो ये चोरी अब आपको सबसे अच्छी चीज दिखाने वाला हूँ, मैं दिखाता हूँ। हमने आंखें बंद कीजिए, दिखाऊं फिर नहीं दिखाना। ये देखो मैंने अभी अपनी बहन के लिए हेलमेट खरीदा, ऐसे ऐसे लगाते आप उसी कहते हो आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। बहना को लगा देती, बहना को दिखाने को दो। एक आपको ना दूसरे हेलमेट दिखाता हूँ, ये देखिए ये चमकीला वाला हेलमेट है। अब अपनी बहना को ही देख लीजिए, ये रही मेरी छोटी सी, और ये चमकीला वाला होता है ऐसे ही, ये ऐसे ही। अब चाहे तो आप इसके अंदर एक लैंप चाह सकते, इसके अंदर लुई होती है, उसके ब्लैक वाली चीज को पीछे भी कर सकते हैं जैसे कि ऐसे। बस बस मुझे बोलने दो, फिर इसके पीछे मुझे पहले सब क्यों करते हो। अच्छा अच्छा चलो बोल लो। ये पीछे से एकदम ऐसे, अल्लाह उसकी मम्मी भी तो लगानी चाहिए। लगा ये लगा क्या था, मम्मी बैठेगा और लास्ट चीज जिसको आप देखेंगे आप चौंक जाने वाले। अभी दे आपको दिखाता हूँ। हाँ। ये बड़ी वाली मिकी माउस की छोटी वाली, यू से ये लो गुड लो। सोचा हो गया तो इधर वाली गुड लो, तो उसके अंदर है क्या। अरे मैं परेशान मत करो। अच्छा चलो अब नहीं परेशान कर रही, छोटे मिकी माउस को सुला दो ज्यादा देर तक। आपको हाथ वाला है, आपको कैमरे भी दिख रहा होगा कितना चमक रहा है। उसके अंदर क्लिप लगा होता है, सिर्फ बालों की जरूरत है। बालों में इतना सामान लगा दिया हो गया, उसके अंदर भी लुई भरी होती है। कभी इसका इसका सितारा पीछे होता है तो इसको निकाल के कर भी सकते हैं। फिर एक और बात सितारा निकल तो ये पूरा बेकार बेक। ये मेरा नेक्स्ट, ये वाला हाथ से भी ज्यादा अच्छा है, ये है तो मोती वाला। हो गया क्या, मैंने तो अभी फ्रेंच को दिखाया ही नहीं। अभी फ्रेंच को नहीं दिखाया, दिखा दो फ्रेंच को जल्दी। ये स्टार वाला है, ये देखो चमक रहा है ये भी, और ये इसके अंदर भी ऐसे एक क्लिप है। बालों को ही जरूरत है, उसके अंदर भी कॉटन भरा हुआ है जैसे कि ऐसे ही। हाँ, तो बाकी भी चीज बताते हैं जैसे कि ये। हाँ बस बस बेटा बस। अब गोपाली रोने लगी है, इसे हमें वैक्सीन कराने लेके जाना है और टाइम हो रहा है। हम तो वहाँ से मॉल भी जाएंगे। मॉल भी जाएंगे ठीक है, हम शॉपिंग नहीं करेंगे, बर्गर बर्गर खाऊंगा मस्त से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ पिछले वीडियो की तरह, क्योंकि ये फिर रोने लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तब के लिए।